स्टोरी डिपार्टमेंट, सर स्टोरी डिपार्टमेंट की जब बात कर रहे हैं वो भी बोल रहे हैं कि जैसे मेकअप डिपार्टमेंट था वैसे जेमिनी स्टूडियोज का एक स्टोरी डिपार्टमेंट भी था। अब स्टोरी डिपार्टमेंट में क्या है, बहुत सारे लाइक क्रिएटिव लोग हैं वो टीम के अंदर काम कर रहे हैं, सो वो इज ऑल्सो लिस्टेड अंडर दैट पार्ट। लेकिन बिकॉज ही वॉज सो क्लोज टू बॉस, वो सिर्फ अटेंडेंस रजिस्टर में ही उस डिपार्टमेंट को बिलोंग करते थे, अदरवाइज ही वॉज लाइक अ फोर्स बिहाइंड जेमिनी स्टूडियोज। तो स्टोरी डिपार्टमेंट में ही एक और पर्सन भी हैं जो जिनको हम एड्रेस करते हैं द लॉयर के नाम से। सो वाइल एवरी अदर मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट वोर अ काइंड ऑफ यूनिफॉर्म खादी धोती विद अ स्लाइटली ओवरसाइज एंड क्लम्सिली टेलर्ड वाइट खादी शर्ट, द लीगल एडवाइजर वोर पैंट्स एंड अ टाई एंड समटाइम्स अ कोट दैट लुक लाइक अ कोट ऑफ मेल। Often he looked alone and helpless, a man of cool logic in a crowd of dreamers, a neutral man in an assembly of Gandhiites and Khadiites. Like so many of those who were close to the boys, he was allowed to produce a film and though a lot of roast talk and pancake were used on it, not much came of the film. So anyway, let's leave the last lines and let's concentrate on how the lawyer looks. So lawyer ke baare mein jab explain kar rahe hain, so Subhu bol rahe hain that he was like that one person jo ki in the group of where everyone wore khadi dhoti or clumsily tailored khadi shirt, which is like kind of a uniform for artists back then, जैसे आज यहाँ पे भी होती है। सो इफ यू लुक एट आर्टिस्ट दे वियर ऐसे खादी का कुर्ता और जीन्स पहन लेंगे, सो दिस इज द सॉर्ट ऑफ यूनिफॉर्म दैट दीज पीपल हैड। एंड बट उसमें से लॉयर अलग से आपको दिख जाएंगे क्योंकि वो क्या करते थे, वो टेलर वो शर्ट और पैंट पहनते थे और वो टाई भी पहनते थे, तो ये लीगल एडवाइजर थे।